अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाले। अल्लाह से दुआ और उम्मीद यही आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक ठाक और अपनी अमान में रखे। तो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी कच्चे आम की, यानी कैरी की चटनी की। ये मेरे पास कलमी आम है। ये थोड़े से, ये 2 kg हैं। ये थोड़े से कम खट्टे होते हैं। खट्टे तो होते हैं, कैरी है ज़ाहिर है, लेकिन कम खट्टी होती है। अगर आप देसी आम की भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो ये ज़रा इसका गूदा ज़्यादा होता है और तो मुझे इसकी चटनी अच्छी लगती है। तो आप जो मर्ज़ी आम लें, लेकिन कैरियाँ जो है वो खट्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनको पील ऑफ कर लेती हूँ। तो आपने इसी तरह ये कैरियाँ छील लेनी है और छीलने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है। शेप आप अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। छुरी से भी इनके छिलके आसानी से उतर जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये सब छीलने के और काटने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे जी। तो ये मैंने कैरियों की कटिंग कर ली है। तो ये इनकी वेस्ट जो है गुठली और छिलकों के बाद तकरीबन ये 1250 ग्राम है, यानी ये हैं 1.25 किलो ये हमारे पास बची हैं। और ये मेरे पास चीनी है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। आपने अगर मापें इस तरह तो 3 कप है, ये लेवल कप है, 3 कप चीनी है। और ये जो कैरी हैं, ये 2 किलो में से जो भी बचेंगी वो आपका अंदाज़ा तोलने की या इस तरह मापने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी बस वेस्ट जो ज़ाया होगी वही होगी। और जो इनमें चीज़ें जाएंगी, ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च है, आप दूसरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और ये मेरे पास 1/2 टीस्पून काला नमक है। ये सिर्फ थोड़ा सा मीठे को बैलेंस करना है। अगर आपकी मर्ज़ी है थोड़ा सा ज़्यादा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले, अच्छा दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने ये कैरी इस तरह कटिंग कर ली है तो ये चीनी इनमें शामिल कर दें आप, सारी चीनी, और ये रात भर पड़ी रहें। तो इन्होंने इतना पानी छोड़ देना है कि आपने इनको पकाने के लिए फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इनको पानी के साथ पका रही हूँ। वैसे मैं अमूमन चटनी ऐसे बनाती हूँ कि जैसे ये कैरियों की कटिंग कर ली है तो ये चीनी मैं इनमें शामिल करके रख दूँगी। मसाले कर दें तो भी कोई बात नहीं, साथ जब पकाने के लिए रखें जब डाल दें तो भी सही है। तो ये इतना पानी छोड़ देती हैं चीनी के साथ कैरियाँ कि आपको दोबारा पानी और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं। उसी में ये गल जाती हैं और चीनी की पानी में जो इनका शीरा सा जो है वो तैयार हो जाता है। तो जो भी तरीका आप करना चाहें कर लें। तो चले सबसे पहले इनको पकने के लिए। तो ये मैंने तकरीबन 3-3.5 कप जो है पानी लिए। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कम लगे तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट हुए हैं, ये हमारी जो कैरी हैं अच्छी तरह गल चुकी हैं, गर्म बहुत है। तो देखें अब इस स्टेज पर हम ये अपनी चीनी शामिल कर रहे हैं। ये मिर्चे, ये जीरा और ये काला नमक। और इनको हम तकरीबन 8-10 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए ये तकरीबन 15 मिनट हुए हैं ऐसे चीनी के साथ पकते हुए। तो मैं ये इसके चंक्स जो हैं ये ऐसे ही रखूँगी। अगर आप इसे ब्लेंड करना चाहें तो बिल्कुल आप इसे चाहे उसमें ब्लेंडर जार में कर लें या आपके पास क्या ओकी हो ब्लेंडर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, वैसे भी जो भी आपको आसानी हो। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो यह बिल्कुल तैयार है, तो इसे ठंडा होने पर मैं किसी जार में भर लूँगी। तो जी चटनी बनके आम की आपके सामने तैयार है। तो अगर आप इसे कलर देना चाहें तो आप इसे 1 या 2 चुटकी
ऑरेंज या येलो फूड कलर डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मैंने ऐसे ही रहने दिया है, आप जैसे चाहें करें। ये बहुत ही मज़े की बनती है, तो आप ये सीज़न में आम तो ज़रूर बनाने हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, बशर्ते ज़िंदगी फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।